गुड मॉर्निंग बच्चों, आज आप लोगों का नर्सरी का क्लास स्टार्ट हो रहा है। बच्चों, इसमें आप लोग हिंदी की कॉपी में आज क लिखना सीखेंगे। अ से ह तक मैंने आप लोगों को लिखना सिखा दिया बच्चों नोटबुक में। नोटबुक मत, हम लोग कॉपी को ही बोलते हैं। कोई भी हिंदी की लाइनिंग वाली कॉपी आप लोग लेंगे, उसमें आप लोग अ से ह तक कॉलम बना के इसी तरह से लिखना सीखेंगे। और अब मैं क वर्ण पर आ रही हूँ। ये व्यंजन वर्ण है बच्चों, क से लेकर ह तक व्यंजन वर्ण होता है। चलिए अब हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ देखो और लिखो, मतलब इस तरह से मैंने दो लाइन में डॉट दे के क को मैं मिलाना सिखाऊंगी, उसके बाद अपने से आप लोग लिखेंगे। देखिए इस तरह से मैंने डॉट दिया हुआ है बच्चों लाइन में, उसको इस ढंग से मिलाएंगे। लंबी लाइन लेंगे, फिर इसको इस तरह से गोल करेंगे, इसको फिर कर्व से इस तरह से मिला देंगे। ये बन गया बच्चों क। क से बच्चों बहुत सारा शब्द बनता है। क से कमल, क से कलम, क से कबूतर, क से कलश, क से कटहल, बहुत सारा शब्द बनता है। देखिए ये क मैंने बनाया, डॉटेड क्यों मिलाएंगे आप लोग तो क बन जाएगा बच्चों। एक लंबी लाइन लेंगे, फिर एक गोल करेंगे इसको, फिर आधा कर्व्ड बनाएंगे, तो ये बन गया क। एक लाइन लेंगे बच्चों, फिर एक लंबी लाइन लेंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर एक सर्किल से इसको गोल करेंगे, फिर हाफ सर्किल इस ढंग से लेंगे, तो ये बन गया क। एक स्लिपिंग लाइन लेंगे यानी सोई हुई रेखा, फिर एक स्टैंडिंग लाइन लेंगे यानी खड़ी रेखा, फिर इसको सर्किल से इस तरह से गोल बनाएंगे, फिर इसको हाफ सर्किल करेंगे, ये बन गया बच्चों क। फिर देखिए बच्चों यहाँ पर फिर है, एक स्लिपिंग लाइन लेंगे, एक स्टैंडिंग लाइन लेंगे, फिर इसे सर्किल से इस तरह से गोल करेंगे, इधर हाफ सर्किल करेंगे, ये बन गया क। ये देखिए बच्चों ये बन रहा है हम लोगों का क। क से बच्चों बहुत सारा शब्द बनता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया। क से कलम, क से कलश, क से कमल, क से कटहल। देखिए ये देखिए क बना बच्चों। ये इस तरह से मैंने डॉट को मिलाते हुए दो लाइन में आप लोगों को कॉ लिखना सिखाया ये ढंग से। ये देखिए अब एक बिल्कुल ब्लैंक लाइन है, इसे आप लोग ये ढंग से कॉ लिखेंगे। ओके बच्चों, ये देखिए कॉ। चलिए आप देखिए यहाँ पर फिर एक लंबी लाइन ली है, फिर एक गोल किए हम लोग सर्किल के जैसा, फिर हाफ सर्किल बनाए और ऊपर एक लाइन खींचते हैं, ये बन गया कॉ। देखिए फिर एक लाइन खींचे ऊपर, एक लंबी लाइन लिए, एक सर्किल बनाए, फिर इसको हाफ सर्किल से इस तरह से मिला दिए, ये बन गया बच्चों क। ये देखिए कोई भी हिंदी की अच्छी कॉपी एक ले लेंगे, उसमें इस ढंग से आप लोग कॉलम बनवाएंगे। घर में अपने से बड़ों की मदद से, मम्मी पापा भैया दीदी जो भी हैं उनसे आप लोग मदद लेंगे और इस तरह से आप लोग क को लिखना सीखेंगे बच्चों। इस तरह से आप लोग क लिखेंगे तब आप लोगों को क लिखना, पहले तो आप लोग डॉटेड से मिलाएंगे, फिर उसको एक दो लाइन या चार लाइन में खुद से बनाना सीखेंगे। ओके बच्चों, ये आज का आप लोगों का क्लास वर्क है, इसे होमवर्क बनाकर आप लोग सबमिट कर सकते हैं घर में अपने से बड़ों की मदद से। बाय बाय।